हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक ईएसआई मेंबर हैं और ईएसआई से लीव पर चलते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तो ईएसआई से छुट्टी के पैसे कैसे लें, कैसे ईएसआई से क्लेम करें, वो भी खुद बिना कंपनी के अपने मोबाइल से। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। फ्रेंड, बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश बीमार होने के कारण ईएसआई से छुट्टी पर चलते रहते हैं, चाहे वो 3-4 दिन हो, 10 दिन हो या फिर 15 से 20 दिन हो। तो छुट्टी लेने पर ईएसआई से हमें पैसे भी मिलते हैं। बहुत से मेंबर को पता भी नहीं होता है कि ईएसआई से छुट्टी के पैसे ही मिलते हैं, क्योंकि ईएसआई वाले जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी होती है उसका 70-80% ईएसआई हमें पे करती है, जो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। फ्रेंड, पहले क्या होता था कि ईएसआई से छुट्टी के पैसे लेने के लिए ईएसआई के लोकल ऑफिस में हमें बार बार जाना पड़ता था और वहाँ जाके अपना काम करवाना पड़ता था, जिसके लिए हमें बहुत बार चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ईएसआई ने ऑनलाइन ही क्लेम करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, जिससे ईएसआई मेंबर खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी छुट्टी के पैसे ले सकते हैं, वो ही बिना कंपनी के, कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ईएसआई से छुट्टी के पैसे कैसे ले और कैसे अप्लाई करें, वो भी अपने मोबाइल से। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, सबसे पहले हम गूगल पर ESIC GOV इन टाइप करके यहाँ नीचे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस पर्सन ऑब्लिक बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना ईएसआई नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ईएसआई में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप यह वीडियो देखकर अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ईएसआई नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, पासवर्ड जनरेट नहीं होगा, तब तक आप ईएसआई से क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस अलर्ट को क्लोज कर देंगे। फिर सबसे पहले जो भी हमारी प्रोफाइल डिटेल्स होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक स्टेप। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है मैटरनिटी बेनिफिट और दूसरा है सिकनेस बेनिफिट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट नंबर अप्रूव नहीं होगा तब तक आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका ईएसआई में बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं, इससे आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो भी प्रोफाइल डिटेल्स होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट नंबर, बेनिफिट टाइप, सब्जेक्ट टाइप, टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, फिर लास्ट में डेट। अब जो ये सर्टिफिकेट नंबर हैं ये वो होते हैं जो आपके लीव के पेपर पर लिखे होते हैं, लीव के पेपर पर सीरियल नंबर के हिसाब से लिखे होते हैं, जो आपको ईएसआई से मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये सर्टिफिकेट नंबर आपको अपने लीव के पेपर से मैच करने होते हैं। फ्रेंड, देखिए ये एक लीव का पेपर हमारे सामने है। इसमें आपको सीरियल नंबर के आगे एक नंबर दिखाई देगा और वही नंबर आपको यहाँ पर चेक करना होता है। वैसे यहाँ पर जो भी आपके लीव के पेपर होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना है।
कि वही सेम सीरियल नंबर है या नहीं। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके नीचे सारे बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि इस मेंबर के इतने ही लीव के पेपर हैं। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट टाइप करनी है, डेट में आपको पहले दिन से कौन सी डेट पे आप लीव पर थे और लास्ट कौन सी डेट तक थे, तो आपको पहले की और लास्ट की डेट यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे इस मेंबर ने 1/2/2024 को पहला दिन था और लास्ट था 7/3/2024 का, तो यहाँ पर हम पहली और लास्ट वाली डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रॉम डेट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करके बैक आना है, जिस मंथ की हमें डेट सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड देखिए, पहली डेट अपडेट हो गई है। फिर दोबारा से हम बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लास्ट वाली डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, दोनों में डेट सिलेक्ट हो गई है। फिर आपको नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए, जो भी आपकी क्लेम रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। फिर आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है उनके पास पहुंच जाएगी। इसके लिए आप यहाँ नोटिफिकेशन स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ क्लेम के नीचे पेंडिंग विद ब्रांच ऑफिस, मतलब आपकी रिक्वेस्ट ब्रांच ऑफिस से पेंडिंग है। फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर जो भी आपका ब्रांच ऑफिस है आपके घर के आसपास, आपको एक बार वहाँ विजिट करना है और उनको बताना है कि सर मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, कब तक मुझे क्लेम के पैसे मिल जाएंगे। वैसे इसका समय होता है 15-20 दिन का, 15-20 दिन में पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे आप ऑनलाइन अप्लाई करें वो ही बिना कंपनी के, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करते समय, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड मेरे पास 3-4 मेंबरों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ESI से क्लेम कैसे करें, अपनी छुट्टी के पैसे कैसे लें। तो फ्रेंड ये वीडियो उन मेंबरों के लिए थी